नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात कर रहे हैं मीठा बांटना कब आपको मना है या कब आपके लिए हानिकारक हो जाता है। बहुत सारे भ्रांतियां लोगों के मन में है कि मीठा बांटने से क्या हमारा नुकसान हो सकता है, क्या हमें मीठा बांटना बंद कर देना चाहिए और क्या कोई और अल्टरनेटिव भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात पर भी परेशान है। कहते हैं कि कभी खुशियां मनाने का तो ज़्यादा मौका वैसे भी नहीं आता और अब आ रहा है तो वहाँ पर भी अगर मीठा बांटना मना हो जाएगा तो हम खुशी को किस तरह से मनाएंगे, किस तरह से लोगों के साथ सेलिब्रेट करेंगे, तो क्या कोई अल्टरनेटिव भी है। इन सभी विषयों पर आज के वीडियो में बात कर रहा हूँ। बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं आपको इस वीडियो में मिल जाएं। सबसे पहले बात करता हूँ कि लाल किताब में किन किन सिचुएशंस में कहा हुआ है कि मीठा बांटने से बचना चाहिए। शनि हो खाना नंबर एक में, खाना नंबर एक मंगल का घर माना जाता है, सूर्य का पक्का घर माना जाता है। अगर शनि खाना नंबर एक में है बर्थ चार्ट में तो बेटा होने की स्थिति में ये कहा जाता है कि मीठा ना बांटा जाए। इसी तरह से शनि हो खाना नंबर पाँच में तब भी ये कहा जाता है कि अगर बेटे का जन्म हो, खाना नंबर पाँच आप भी जानते हैं कि वो खाना नंबर पाँच सूर्य से संबंधित माना जाता है, तो शनि सूर्य जहाँ पर भी इन्वॉल्व होंगे वहाँ कहीं ना कहीं मंगल बद हो जाता है। तो अगर शनि खाना नंबर पाँच में हो तो ऐसी स्थिति में भी बेटा होने की स्थिति में खासकर मीठा बांटने से मना करा जाता है। इसी तरह से मंगल हो खाना नंबर छः में, खाना नंबर छः जो है वो मंगल अगर वहाँ पर है वो बुध और केतु का घर माना जाता है। खाना नंबर छः में मंगल हो तो ये कहा जाता है कि औलाद का जन्मदिन मनाना औलाद के लिए हानिकारक हो सकता है, आपको केतु संबंधित नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं। तो खाना नंबर छः में अगर मंगल है तो बर्थडे मनाना बच्चे का ये इन जनरल मना किया जाता है। इसी तरह से सैटर्न केतु, शनि केतु का कॉम्बिनेशन हो पत्रिका में, शनि राहु का कॉम्बिनेशन हो तो कहा जाता है मीठा बांटने से बचना चाहिए। और सिचुएशंस पे बात करी जाए तो मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन है आपकी पत्रिका के अंदर, मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन है, मंगल बद हो रहा है या मंगल बहुत ज़्यादा ख़राब है और ख़ासकर जब मंगल खाना नंबर चार में हो, खाना नंबर आठ में हो, तो भी कहा जाता है कि मीठा ज़रूरत से ज़्यादा बांटना आपकी खुशियों को नज़र लगा सकता है। ये एक्चुअली प्रिकॉशंस हैं, आपका ही नुकसान बच जाए, आप नुकसान से बचे रहें, इसलिए ये प्रिकॉशंस दिए गए हैं। अगर ऐसी स्थिति में आप मीठा बांटते चले जाएंगे तो जो मंगल का लाभ मिलना है, मंगल खुशियों का कारक है, उसमें भी नुकसान आ सकता है। तो अब ये मैंने कुछ सिचुएशंस बताई, अब बताता हूँ कि आप मान लीजिए कहते हैं कि मेरे को तो पत्रिका की कोई नॉलेज नहीं है तो अब कैसे पता चले, तो कुछ लक्षण बता रहा हूँ। अगर घर में खुशियाँ मनाने का मौका आता ही नहीं है, अगर घर में बहुत ज़्यादा ग्रह कलेश रहता है, हर काम में बाधाएं आती हैं, तो कहीं ना कहीं इन जनरल ये कहा जा सकता है कि मंगल आपका ख़राब हो रहा है। और अगर मंगल ख़राब हो रहा है तो ऐसी स्थिति में सिर्फ मीठा बांटना, क्योंकि जो मीठा है वो मंगल नेक से संबंधित है, कोई भी आप मिठाई ले लीजिए, मिठाई है ही वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर मीठा है, मीठा जो है वो मंगल से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में मीठा बांटने से बचना चाहिए। ये मैंने लक्षण के हिसाब से भी बता दिया कि अगर बहुत ज़्यादा ग्रह कलेश रहता है, झगड़े रहते हैं, कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसी स्थिति में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहाँ आप बड़े स्केल पर लोगों को मीठा बांटते हैं, मिठाई के डब्बे दे रहे हैं, वहाँ की बात हो रही है। तो ये पहली मैंने आपको क्लियर कर दिया किन किन सिचुएशंस में लाल किताब मना करती है और लक्षण क्या क्या हैं जिनको देखकर पता चल सकता है। अब सिचुएशंस तो मैंने आपको बता दी, अब आप कहते हैं कि सर ठीक है, ये सिचुएशंस भी समझ में आ गई, घर में बहुत ग्रह कलेश है, अब बताइए अल्टरनेटिव क्या है। अल्टरनेटिव, सबसे अच्छा अल्टरनेटिव, आपने देखा होगा पुराने समय के अंदर जब भी शादी ब्याह होता था तो भाजी बनती थी जिसके अंदर मीठा भी होता था और नमकीन भी होती थी। नमकीन का क्या पर्पज़ है, जो नमक है वो सूर्य से संबंधित होता है, तो जब हम नमकीन का प्रयोग करते हैं मीठे के साथ तो हमने सूर्य की मदद मंगल को दे दी, तो जो मंगल ख़राब
होने का चांस था वो रिड्यूस हो गया। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज भी अगर आप मान लीजिए भाजी का प्रयोग करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से जिसके अंदर नमक पारे भी मिल जाएंगे आपको, जो कि नमकीन होंगे और मीठा भी मिल जाएगा, आप दोनों का कम्बिनेशन करके बांट सकते हैं। पहला तो ये ऑल्टरनेटिव है। अब आप कहते हैं नहीं सर हम तो ये नहीं बांटना चाहते, तो दूसरा ऑल्टरनेटिव भी है आपके पास, आप ड्राई फ्रूट्स बांट सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इन जनरल वो शनि से संबंधित होते हैं और उसमें किशमिश भी आ जाएगी। अब ड्राई फ्रूट्स का पर्पस ये है कि जहाँ पर हम शनि का इन्वॉल्वमेंट कर लेंगे तो मंगल बद से संबंधित जो समस्याएं हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। वैसे भी शनि और मंगल जब मिलते हैं तो उच्च के राहु का निर्माण होता है, तो दूसरा ऑल्टरनेटिव आपके पास ये हो गया। अब आप कहते हैं और ऑल्टरनेटिव, तीसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि जब भी आप मीठा बांटने लगें तो सिर्फ मीठा मत बांटिए, उसमें कोई नमकीन चीज़ ऐड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने मिठाई का डब्बा बनवाया तो उसके साथ ही नमकीन के एक दो आइटम्स कुछ ऐसे रख दिए ताकि मीठा और नमकीन दोनों हो जाएं। जिन जिन सिचुएशंस में मैंने आपको बताया, स्पेसिफिक सिचुएशंस भी बताई, लक्षण भी बताए, इससे क्या होगा कि आप अपना सारा कार्य भी कर लेंगे और आपको नुकसान नहीं होगा। अब आखिरी ऑल्टरनेटिव, आखिरी ऑप्शन जो मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर बर्थडे पे मीठा बांटना बच्चे के बर्थडे पे मना करते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, और जैसा मैंने भी अभी आपसे बात करी मंगल अगर खाना नंबर 6 में हो तो बर्थडे पे अपने औलाद के बर्थडे पे केक बांटना मना है। अब पहले बात तो ये समझिए कि ये मना कैसे है। ये मना तब है जब आप बहुत लोगों में केक बांट रहे हैं। मान लीजिए आपका छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर हुआ जिसमें आपकी बहुत क्लोज फैमिली के कुछ लोग हैं, तो वहाँ तो आप केक काट लीजिए, इतना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने उस केक में बहुत ज़्यादा लोग, उस पार्टी में बहुत ज़्यादा लोग बुलाए हैं, वो केक बहुत लोगों को बांटना है, तो उसका एक तरीका तो ये होता है केक के ऊपर थोड़ा सा काला नमक स्प्रिंकल कर लिया जाए। काला नमक जो होता है वो शनि से संबंधित होता है, तो कहा गया ना मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन हो गया ताकि उच्च के राहु का निर्माण हो, आपका नुकसान ना हो। लेकिन ये ऑल्टरनेटिव बहुत अच्छा नहीं है। इसकी बजाय सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव ये रहेगा कि आप केक जब डिस्ट्रीब्यूट करें, जब क्योंकि मीठा बांट रहे हैं उसके साथ आप कोई एक नमकीन की चीज़ या ड्राई फ्रूट्स कुछ उसके साथ बांट दें, तो फिर आपको जो मंगल नेक को बांटने की वजह से, मीठा बांटने की वजह से कोई नुकसान होने हैं तो उन नुकसानों में अपने आप ही कमी आ जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।